हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का एक वन टूल ब्लॉग बना सकते हैं या फिर मल्टी टूल ब्लॉग भी आप बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से जिस प्रोसेस से मैं आपको वन टूल ब्लॉग बनाना सिखाने वाला हूं। देखिए, एक बार अगर आपने ये टूल बना लिया तो सिर्फ आपकी वन टाइम की मेहनत है, उसके बाद आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ट्रैफिक इनिशियल स्टेज में इस ब्लॉग के ऊपर काफी ज्यादा आ सके, एंड उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा एंड आप डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर पूरा मेथड मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, लाइव प्रूफ हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। टाइम कैलकुलेटर टूल मैं यहाँ पे आपको बना के बताने वाला हूँ। चैट जीपीटी ने काफी मुश्किल के बाद जो है इस पर्टिकुलर टूल की कंप्लीट स्क्रिप्ट मुझे बना के दी है। मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी चैट जीपीटी की मदद से एकदम अच्छे से किसी भी टूल की स्क्रिप्ट बनवा सकते हो। कितनी बार आपको ट्राई करना पड़ेगा तब जाके चैट जीपीटी आपको जो है सही रेस्पॉन्स देगा, ये सारी चीजें भी आपको पता चलेगी। अब देखिए, काफी लोग काफी मुश्किल का सामना करने के बाद भी चैट जीपीटी से कोडिंग नहीं करवा पाते, उनके लिए मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री में स्क्रिप्ट डाल दी है। आप जाके इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके काम चला सकते हो। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे वीडियो पहले से वॉच करते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। वैसे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली टाइम कैलकुलेटर टूल मिल जाएगा, अन्यथा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो टाइम कैलकुलेटर, और चर्च करेंगे आप ये टाइप करके तो आपको ये टूल जो है मिल जाएगा इजीली। इसके अलावा और भी कई टाइप के कैलकुलेटर टूल आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मान लीजिए आपको ये टूल ओपन करना है, तो सिंपली इस टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टूल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इजी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टाइम कैलकुलेटर टूल होता क्या है। इसके अलावा नीचे आपको टूल की पूरी स्क्रिप्ट देखने को मिल जाएगी, जिसे आप कॉपी कर सकते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, राइट। और ये कॉपीराइट फ्री है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे पॉप आउट पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से कैसे तैयार करवा सकते हो। सो देखिए, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट को तैयार करवाने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा। देखिए, चार बार मैंने चैट जीपीटी को कमांड दिया तब जाके जो है चैट जीपीटी ने पूरी स्क्रिप्ट मेरे सामने यहाँ पे तैयार की, और इस स्क्रिप्ट को मैंने यहां से ले जाके इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है, जहां से आप कॉपी कर सकते हो। देखिए, मैं आपको सारे कमांड बताता हूं जो कि मैंने चैट जीपीटी को दिए थे। देखिए, राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड ऑफ टाइम कैलकुलेटर इन HTML विद जावा स्क्रिप्ट। तो इस बार चैट जीपीटी ने कमांड का रिप्ले तो किया, बट जो कोडिंग है वो आधी ही हुई और बीच में ही रेस्पॉन्स आना बंद हो गया। सो सेकेंड टाइम मैंने दोबारा ट्राई किया सेम चीज, तो सेकेंड टाइम मुझे क्या हुआ, अलग अलग कोडिंग मिली। देखिए ध्यान से, अब इनको एक में करके आप इनसे इजीली टूल बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये डायरेक्टली वन शॉट में चाहिए थी ताकि आप सभी को समझ में आ सके। सो यहाँ पे थर्ड टाइम मैंने दोबारा यहाँ पे ट्राई किया तो चैट जीपीटी ने अगेन जो कोडिंग थी वो बीच में ही छोड़ दी और रेस्पॉन्स आना रुक गया। फिर फोर्थ टाइम मैंने अगेन ट्राई किया और इस बार जो है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मुझे मिली, एंड ये जो है 100% वर्केबल स्क्रिप्ट है। मैं इसको ट्राई भी कर चुका हूँ। आप चाहे तो फिफ्थ टाइम भी चैट जीपीटी को ये कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चैट जीपीटी ने फिफ्थ टाइम भी आपके लिए कोडिंग यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज है, आपको बस कमांड सही से देना है, चैट जीपीटी अपना रेस्पॉन्स जो है काफी सही से देती हुई आपको नजर आएगी। सो अब आपके पास कोडिंग तो तैयार हो गई, आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं या फिर वेबसाइट से कॉपी कर सकते हैं, तो कोडिंग के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
वो आपको इजीली मिल जाएगी। अब देखिए, अब एक वेबसाइट हम बनाएंगे एंड वहां पे इस कोडिंग को पेस्ट करेंगे, सिर्फ वन टाइम का काम रहेगा एंड उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक कैसे लाना है उसका एक हिडन सीक्रेट मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप करने की गलती भी बिल्कुल मत करिएगा। सो देखिए, यहाँ पे कोडिंग हमारे सामने ये हो चुकी है, आप जितनी बार करवाना चाहो करवा सकते हो ओवरऑल। सो अभी क्या करना है, अभी आपको आना है ब्लॉगर के ऊपर एंड गूगल के ऊपर एंड सर्च करना है ब्लॉगर। जब आप गूगल पे ब्लॉगर सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्रिएट योर ब्लॉग या साइन इन, दोनों ही कंडीशन में आपके सामने आपके सारे जीमेल अकाउंट हो गए, आपको उनमें से किसी भी एक जीमेल अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जब आप जीमेल अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे तो आपको अपने ब्लॉग का नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का नेम सेलेक्ट कर लेता हूं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइम कैलकुलेटर मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अपने ब्लॉग का एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूं। सो हमने अपने ब्लॉग का एड्रेस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, timecalculator.blogspot.com, ये हमारा URL या ब्लॉग का एड्रेस होने वाला है। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, क्रिएट होने के बाद क्या क्या चेंजेज आपको करने पड़ते हैं उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको पेजेज बना लेने हैं जिनमें टर्म एंड कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी जैसे पेज शामिल है। फिर आपको थीम सेगमेंट में आना है एंड यहाँ से जो थीम आपको सही लगे आप ले सकते हो एंड उसको अप्लाई कर दीजिएगा। थीम अप्लाई करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आप जो है बेसिकली सारा सेटअप जो है कर पाओगे, राइट। आपको जिस टाइप की थीम लेना चाहो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं कोई और थीम भी आपको लेके बता देता हूँ, देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा इस पूरी प्रोसेस को। मैं यहाँ पे ये सिंपल ब्लॉग लेता हूँ एंड इसको अप्लाई कर देता हूँ। गॉट इट पे क्लिक करेंगे। सो हमने यहाँ पे न्यू थीम को जो है अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इन पूरी चीजों को बहुत ही ध्यान से। अब देखिए, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है मोबाइल सेटिंग का। सो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप जो सिलेक्ट है इसको मोबाइल पे सिलेक्ट करके जो है सेव कर देना है आपको, राइट। ये कर दिया आपने, अब ये मोबाइल के ऊपर भी एकदम सही दिखेगा। एंड सेटिंग के अंदर आके आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट का सेट कर देना है, ब्लॉग लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है एंड नीचे मेटा टैग का ऑप्शन मिलेगा इसको इनेबल कर लेना है एंड नीचे क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा इसको भी इनेबल कर देना है एंड कस्टम रोबोट हेड टैग को भी आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इतना काम करने के बाद जो है आपकी वेबसाइट रेडी है ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, राइट। ये सारा सेटअप जो है आप यहाँ पे कर दीजिएगा, सारी चीजें जो है एकदम यहाँ पे सही हो जाएगी। सो अब यहाँ पे अपन न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे अपन टाइम जो है टाइटल डालेंगे जो कि होने वाला है टाइम कैलकुलेटर। सो लेबल हम डालेंगे यहाँ पे टूल्स नेम से मैं लेबल बना लेता हूँ एंड परमालिंग के अंदर अपना टाइटल जो है कस्टम परमालिंग में अपन पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेटर पेस्ट कर देता हूँ। सो कुछ इस टाइप से आपको कर देना है, राइट। सो टाइम कैलकुलेटर हमने यहाँ पे परमालिंग के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब नीचे चार्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपने मेटा टैग डाल देने। टाइटल के नीचे ये जो ऑप्शन है इसमें आपको HTML व्यू को सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी से आप कोडिंग को कॉपी कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपको आना है ब्लॉगर के ऊपर एंड ये कोडिंग यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देनी है। सो कोडिंग आपने पेस्ट कर दिया, अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है, आपने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दिया है। अब मैं आपको इस टूल को यूज करना बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि 100% वर्किंग टूल है ये। सो व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो ये टूल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए, हमारी वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, timecalculator62.blogspot.com, राइट, कुछ इस टाइप से। और यहां पे आप देखिए,
यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम डालना है। मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार्ट टाइम डालते हैं 6:42, एंड एंड टाइम अपन डाल देते 8:29। सो इनके बीच का टाइम जो है कैलकुलेट अपन कर लेते हैं, स्टार्ट टाइम हो गया, एंड टाइम हो गया। सो इसको कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। तो कैलकुलेट पे अपन क्लिक करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक किया तो हमें ड्यूरेशन पता चल गया 1 hour 47 minute, राइट। इसी तरह हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं टाइम, 1:42 की जगह पे यहाँ पे अपन जो है चेंज कर देते हैं कुछ 23। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन जो है 7 hour 6 minute हो चुका है। इसी तरह आप पूरा यहाँ पे सेटअप जो है चेंज कर सकते हो, राइट। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है एकदम एक्यूरेट है। आप इन टूल का यूज करके इजीली बहुत ही अच्छा पैसा जो है बना सकते हो अगर आपने सही से काम किया तो। ये टूल आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। 100% वर्किंग टूल है, रेस्पॉन्सिव टूल है, मैं आपको आपके सामने यूज करके ये टूल बता रहा हूं, राइट। सो दोस्तों अगर ये टूल आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर कोई टूल वेबसाइट बना पाए। अब देखिए टूल वेबसाइट आपने बना लिया, अब आप इस पे ट्रैफिक कैसे लाओगे? तो देखिए फेसबुक के ऊपर आपको जाना है एंड वहां पे अलग अलग टूल वेबसाइट से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है, अलग अलग ब्लॉगिंग के रिलेटेड ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और उन ग्रुप में टाइम टू टाइम आपको अपने ब्लॉग की या इस टूल की लिंक को पेस्ट करते रहना है। हो सकता है काफी ग्रुप से आपको एग्जिट दे दिया जाए, बट काफी ग्रुप से आपको बहुत बढ़िया ट्रैफिक देखने को मिलेगा और वो ट्रैफिक धीरे धीरे आपका परमानेंट ट्रैफिक बन जाएगा और आगे चल के उस ट्रैफिक में काफी इंक्रीजमेंट भी आपको दिखाई देगा। सो आप इस मेथड को जरूर फॉलो करिएगा, इनिशियल स्टेज में आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।